जावा प्रोग्रामिंग सीखने की इस वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जावा स्टेटमेंट के और आज हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप को। तो देखिए फ्रेंड्स, कंट्रोल स्टेटमेंट में हम जो है इटरेशन स्टेटमेंट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और जिसमें हमने पढ़ा था वाइल लूप को और उसका एक एग्जाम्पल भी देखा था। आज हम देखेंगे डू वाइल लूप को और इसके बीच डिफरेंस भी देखेंगे, वाइल और डू वाइल लूप के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे फॉर लूप को। तो देखिए फ्रेंड्स, डू वाइल लूप जो है, देखिए इस तरह से, देखिए इसका फ्लो चार्ट जो है वो चलता आ रहा है। उसके बाद हमने वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर दी, बिल्कुल सेम जैसे हमने वाइल लूप में किया था। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये देखिए डिफरेंस है डू में और वाइल लूप में। तो डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, यानी कि हम डू वाइल लूप का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें अपना कोड और ब्लॉक जो है कम से कम एक बार एग्जीक्यूट कराना होता है, और उसके बाद जो है वो हम कंटिन्यू वाइल लूप के थ्रू करा देते हैं। तो अब इसे कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम जो है वो प्रिंट हो चुका है, यानी जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब जो है हमारी कंडीशन आएगी, कंडीशन जो है वो चेक होगी, फिर कंडीशन अगर ट्रू होती है तो दोबारा से जो है हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन पे इसी तरह से वो चलता रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कंडीशन जो है वो चेक होती रहेगी और ये जब तक ट्रू होती रहेगी स्टेटमेंट हमारे जो है वो प्रिंट होते रहेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट, ये वाला प्रिंट नहीं होगा, दोबारा से स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स वो ये वाले ही प्रिंट होंगे। यहाँ मैंने इसे लिख दिया है, एक्चुअली में ये और ये एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, अगर फॉल्स हो जाती है तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर, मतलब हमारा एग्जिट कर गया था, उसी तरह से डू वाइल लूप भी हमारा वाइल लूप की तरह एग्जीक्यूट कर जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं और उससे हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने डॉक्टर जावा ओपन कर लिया है और इसमें जो है वह हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं। नेम रखेंगे हम इसका डू वाइल एग्जाम्पल, कुछ भी नेम रख सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड जो हम हमेशा मेन मेथड लिखते हैं वो लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपना मेन मेथड भी लिख लिया है। अब जो है हम सिंपली यहाँ पर लिखते हैं int a और a को वैल्यू असाइन कर देते हैं हम 1, बिल्कुल सेम लास्ट वाइल वाले एग्जांपल की तरह। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जो करना है वो लिखना है डू और उसके बाद ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद हमें जो है वो स्टेटमेंट प्रिंट करा देना है। हमें जो स्टेटमेंट प्रिंट कराना है वो प्रिंट करा देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। और उसके बाद फ्रेंड्स हम जो है इसमें प्रिंट करा देते हैं a को। अब हमें जो है यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है, तो हमने लगा दिया आई प्लस प्लस, तो यहाँ पर फ्रेंड्स वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए कब तक ये जो है वो चलना है। अब यहाँ हमने वाइल लिखकर ये बताया ए इज़ लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल सेम प्रीवियस एग्जांपल की तरह। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखने की है, सेमी कोलन हम ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसे सेव करेंगे, सेव कर देंगे फ्रेंड्स, सिंपली जो नेम से हमने बनाया है उसी नाम से सेव कर देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स जो है ये हमारा कंपाइलेशन बार है, F2 प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करेंगे कंपाइल कराने के लिए, प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कोई एरर बता रहे हैं, तो एरर है फ्रेंड्स, ये देखते हैं एरर क्या है। i++ फ्रेंड्स वैल्यू हमने a दी है और i++ लिख दिया है, तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। सेव करेंगे दोबारा से और F5 प्रेस करेंगे तो कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम, कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद F2 प्रेस करेंगे और हमारा आउटपुट जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आ गया है। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, अब आप जो है यहाँ पर कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, वो भी आपका 10 टाइम प्रिंट होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम जो है इंक्रीमेंट हटा देते हैं और इनफाइनाइट लूप के लिए, देखिए मैं जैसे लास्ट टाइम मैंने बात की थी इनफाइनाइट लूप की, तो हम जो है यहाँ लिख देते हैं इन्फिनिटी लिख देते हैं, आई एम फैन ऑफ इन्फिनिटी वॉर, ओके। और यहाँ पर जो है हम यहाँ लिख देते हैं ट्रू। अब अगर हम इसे सेव करेंगे फ्रेंड्स और अब हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे यानी रन कराएंगे, तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है वो लास्ट टाइम तक चलता रहेगा। देखिए F5 प्रेस करते हैं कंपाइल हो गया और F2 प्रेस करते हैं, तो फ्रेंड्स ये देखिए अब चलता जा रहा है, जब तक हम Ctrl+C प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा। सिंपली हमें यहाँ से ट्रू हटा देना है और सेव कर देना है और F5 प्रेस करके दोबारा से कंपाइल करा देना है, तो फ्रेंड्स ये जो है एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये जो एरर थी एक बहुत बड़ी एरर थी, अगर इस तरह से इन्फिनिटी लूप में लग जाता है तो प्रोग्राम चलता रहता है जैसे अभी चलता जा रहा था, रुकना नहीं चाह रहा था। इस तरह से फ्रेंड्स आपको एरर से बचना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम देखते हैं फॉर लूप को। अगर फ्रेंड्स आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपके पास कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।